नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं? अपने लटके हुए पेट को बिल्कुल अंदर चाहते हैं कि वो हो जाए? आपकी थाइज अगर बहुत हेवी हो गई हैं तो उनको चाहते हैं वो कम हो जाए, या फिर ओवरऑल बॉडी वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं और इसके साथ आपका रुका हुआ वजन बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर आपको भी थायराइड PCOS PCOD की समस्या है जिसकी वजह से आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो मिलता है और इसकी वजह से आप बिल्कुल हार से चुके हैं, तो आज की मेरी ये वीडियो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी, क्योंकि आपके वेट लॉस जर्नी को इतना फास्ट कर देगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक या दो चीजें नहीं बल्कि 10 बातों को ध्यान से सुनना होगा और फॉलो करना होगा। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन वो छोटी बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपके वेट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट करेंगी और उसका रिजल्ट इतना ज्यादा बेहतरीन होगा कि आपके आसपास वाले लोग भी आपसे पूछने लगेंगे कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पहली कौन सी आदत है जिसको हमें अपनाना है। सबसे पहली चीज आती है माइंड सेट। देखिए, हमें अपने माइंड को बिल्कुल सेट करना है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं कि 2 दिन या 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं या 10 दिन एक्सरसाइज करके थक जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद से एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा होता होगा ना बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको इस माइंड को सेट करना है। आपको सिर्फ अपने 10 दिन की मेहनत को नहीं बल्कि कम से कम 1 महीने की मेहनत को जरूर देखना है। आपने बिना कुछ सोचे समझे अपने दिमाग में ये ठान लेना है कि आज से आपने कैलेंडर में तारीख नोट करनी है और 1 महीना लगातार आपने अपने वजन को कम करने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये ठान लेंगे तो डेफिनेटली आप अपना वजन 10 दिन में कम पाएंगे। लेकिन मोटिवेशन रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव जब हम सोचते हैं तो कभी भी कुछ भी लाइफ में पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट करें, और अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन करने के बाद आपको एक्सरसाइज का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप एक्सरसाइज छोड़ना चाहते हैं, तो आप दुनिया में किसी का भी वीडियो देख लें, आपका कभी भी वेट लूज नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड ही सेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माइंड सेट करना है। अब बारी आती है दूसरी हैबिट की, वो है डाइट। देखिए, डाइट के लिए हमें क्या करना है, हेल्दी चीजों को इनटेक करना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें क्या होता है, जैसे हम 8 बजे या 7:30 बजे खाना खा चुके हैं, उसके बाद हमें क्रेविंग्स होती हैं, रात को 1 बजे 2 बजे कुछ खाने का मन करता है, या हमारे सामने हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर कभी पिज्जा खा रहा है, कभी पेस्ट्री खा रहा है, कभी छोले भटूरे खा रहा है, तो हमारा मन करने लगता है। अब उसको कैसे कंट्रोल करें, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना। क्यों, सुनते जाइए। जैसे सपोज आपका मन करा हफ्ते में 1 दिन आपने छोले भटूरे खा लिए, रोज नहीं 1 दिन, ठीक है। सुबह आपने छोले भटूरे खा लिए लेकिन उसकी जगह आपको अपने पूरे दिन का 1 मील को स्किप करना है। जैसे हम 3 मील खाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात। तो आपने जब सुबह इतनी ज्यादा कैलोरीज इनटेक करी हैं तो उसके लिए आपको अपना मिड लंच, जो 2 से 3 बजे का लंच होता है, उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मिड लंच यानी 12 बजे अगर आपको भूख लग रही है तो भी आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आप फ्रूट ले सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, या फिर कोई सूप पी सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी और ग्रीन टी पी सकते हैं, नींबू पानी पिए, जीरा पानी पिए, कोई भी वाटर पिए, लेकिन आपने रोटी सब्जी चावल ये नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कैलोरी आप सुबह ऑलरेडी बहुत इनटेक कर चुके हैं, तो इसलिए आपको अब सीधा 8 बजे ही अपना डिनर करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और 1 महीना अगर आप माइंड सेट कर रहे हैं, आज से मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, तो 1 महीना कैलेंडर पर नोट करके रखें कि आपने छोटी सी चॉकलेट हो या बड़ी चॉकलेट हो, मीठे को कम से कम करना है। आज आपने ये चॉकलेट खाने की पूरी हैबिट है तो आपने थोड़ा सा खाना है, कल बिल्कुल कम, और तीसरे दिन से बिल्कुल लगातार छोड़ देना है। चीनी का इस्तेमाल आपने कम करना है। कितनी भी गर्मी पड़ रही है, रूह अफ़ज़ा, इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये शुगर होता है जो आपके बॉडी में वेट को बढ़ाता है। खाना बना रहे हैं, आपके घर में कोई और खाना बना रहा है, तो उसमें नमक की मात्रा कम रखवाएं। नमक क्या करता है, हमारे शरीर में वाटर वेट को बढ़ाता है, जिससे हमारे बल्जेस यानी जो आपकी टोन जो लटक जाती है ना, पेट अजीब सा ढीला सा पड़ जाता है, बाजू ढीले पड़ने लगती है, हमारा ब्रा फैट निकलने लगता है, वो सब इनकी वजह से होता है। तो आपने ये चीज अवॉइड करनी है, ठीक है। अब बारी आ जाती है तीसरी चीज की। तीसरी चीज क्या है, हमें अपने डेली रूटीन में वॉक जरूर करना है। देखिए, वॉक करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो सुबह की वॉक बहुत अच्छी चीज होती है, आप सुबह वॉक करें, या रात को जो आपने खाना खा लिया है उसके 15 मिनट बाद आप कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए वॉक करें। जरूरी नहीं घर के बाहर जाएं, घर पर सेम जगह, जितना सा भी आपका छोटा सा भी कमरा है, उसी एरिया में कम से कम आप 100 चक्कर काटें। आपके फोन में स्टॉपवॉच तो होता होगा, या तो घड़ी होगी, या तो घड़ी में देखें टाइम, या स्टॉपवॉच में टाइम ऑन करें और देखें कि आपने 30
30 मिनट घूमा है या नहीं। 30 मिनट से कम आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना। इससे क्या होगा, जो आप रोज खाएंगे वो आपका पचेगा और ऑटोमेटिकली आपके शरीर में नया फैट स्टोर होना बंद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका जमा हुआ फैट भी पिघलने लगेगा। अब बारी आती है चौथी चीज की, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज मस्ट है। रोजाना अपने आप को 10 मिनट दें, मिनिमम 10 मिनट देने ही देने हैं, और मैक्सिमम 30 मिनट दें या उससे ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे 10 मिनट एक्सरसाइज कंटिन्यूस नहीं हो रही तो 5 मिनट सुबह कर लें, 5 मिनट शाम को कर लें। खाना खाने के आधा घंटा हो चुका है तो एक्सरसाइज करें, ठीक है, या हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज तो जरूर करें। और इसके साथ अगर आपको पेट की एक्सरसाइज करनी है तो मेरे चैनल पर पेट की अलग एक्सरसाइज है। अगर आपके बाजू कंधों पर बहुत ज्यादा फैट है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है मेरे चैनल पर। आपको अगर लेग्स का फैट कम करना है तो उसकी एक्सरसाइज है। अगर आपको अपने ब्रेस्ट को कम करना है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है। तो सारे बॉडी पार्ट्स की अलग एक्सरसाइज है और फुल बॉडी वर्कआउट भी मेरे चैनल पर है जिसको आप फॉलो करके अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बारी आ जाती है फिफ्थ चीज की, जो हमें अपनी पांचवी अच्छी आदत को हमें रोजाना शामिल करना है। देखिए आपको क्या करना है, रोजाना 1 से 1.5 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पीना है। आप नोट कर लीजिए घड़ी में कि जैसे ही आपको 1 घंटा या आधा घंटा हो चुका है या 1.5 घंटा हो चुका है तो आपको आधा ग्लास पानी पीना है। इससे क्या होगा, आप पूरे दिन में काफी ज्यादा पानी की रेशियो पूरी कर पाएंगे जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपके बॉडी में जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता था वो खत्म हो जाएगा, यूरिक एसिड, ब्लॉटिंग की समस्या, आपका इनडाइजेशन सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। और पानी ज्यादा पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आप खाएंगे वो आपके फैट में कन्वर्ट ना होके आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और आपकी इससे भूख भी कंट्रोल रहेगी, आप एक्स्ट्रा खाना खाने से भी बचेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे का मीटर सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में कि आपको पानी पीना ही पीना है, ठीक है, आधा ग्लास, और हो सके तो गर्म पानी पिए, गर्मी हो जानती हूँ तो मटके का पिए, ठंडा पानी आपके लिए जहर है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। अब हमें अपनी अगली आदत है यानी टिप नंबर 6 की, तो हमें करना है इंटरमीडिएट फास्टिंग। कैसे होती है, इसमें हमें क्या करना होता है, 12 से 13 घंटे भूखे रहना होता है और बाकी टाइमिंग में हमें थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, हेल्दी डाइट, ये नहीं समोसे भटूरे। 12 से 13 घंटे मतलब हमें कंटिन्यूस भूखे रहना है। अगर आपने 7:30 से 8 बजे के अंदर पूरा फुल पेट आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपको अगले 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं खाना, इसके बीच में सिर्फ आपको पानी या ग्रीन टी लेना है, ठीक है। और इसके बाद जब आप खाएंगे तो आप कोई भी फ्रूट खाएं, क्योंकि आप बहुत देर भूखे रहे हैं, तो एकदम डायरेक्ट पानी ना पिए या रोटी सब्जी ना खाएं, थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दें, कोई हेल्दी फ्रूट खाएं, एप्पल बनाना खाएं या पपाया खाएं। उसके आधे घंटे बाद आप अपना डिनर या लंच जो भी टाइमिंग हो चुका है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है टिप नंबर 7 की, इसमें हमें करना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब सुबह खाली पेट वॉक करते हैं या फास्टिंग जब आपने रखी है इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो सुबह अगर आप 7:30 8 बजे उठ रहे हैं तो उठने के बाद एकदम से तो कुछ खाएंगे नहीं, फ्रेश होंगे, तो 45 मिनट वॉक करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने की स्टेमिना तो आपके अंदर होगा नहीं, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपका और जल्दी वेट लॉस होगा, नहीं तो वॉक करना आपके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद होता है, इससे आपकी आंखें, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है, ठीक है। और वेट लॉस के लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट वे है, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेजी किस्म के हैं, तो इसके लिए आपके लिए वॉक बहुत अच्छी चीज है। अब टिप नंबर 8 है, अब हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट डिनर लंच जो भी आप कर रहे हैं उसको हमें छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है। छोटी प्लेट से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप दोबारा जब उसको लेने जा रहे हैं तो आप कितना और एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो छोटी प्लेट का हमें हमेशा इस्तेमाल करना है। और अपनी डाइट में हमें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा इंटेक करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम लेने हैं, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, हमारी मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के टाइम आपकी हड्डियां कड़क ना जाएं। बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है वर्कआउट करने से, मेरी कोहनियों में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, हमारी मसल्स वीक होती हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं ना, तो आपने करना है प्रोटीन ज्यादा इनटेक करना है। प्रोटीन किन किन चीजों में होता है, दाल में होता है, सोयाबीन की वड़ियां जो होती हैं उसमें होता है, दूध में होता है, साथ में आप पनीर ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप गूगल करिए, आपके पास मोबाइल है गूगल करिए कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो किन चीजों में प्रोटीन है वो ज्यादा इनटेक करें, ठीक है, उससे आपका फैट भी कंट्रोल रहेगा, नसों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वो तकलीफें भी बंद हो जाएंगी। अब बारी आती है टिप नंबर 9 की, हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर इनटेक करना है। विटामिन सी होता है जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, क्योंकि जो विटामिन सी फ्रूट होते हैं ना वो हमारे वेट लॉस जर्नी को बहुत फास्ट कर देते हैं। नींबू पानी पी सकते हैं आप, संतरे खा सकते हैं, तो आंवला बहुत अच्छी चीज है, आंवले की सब्जी बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का जो कैंडीज आती पतंजलि की वो खा सकते हैं, तो जरूर इनटेक करें विटामिन सी को, ठीक है। अब आरी आती है टिप नंबर 10 की, टिप नंबर 10 में हमें क्या करना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना, मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करके रखना है। क्या होता है, हम जैसे
तीन चार दिन हमने एक्सरसाइज करी, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हम डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपके जो टाइट क्लोथ्स होंगे ना घर पे कमरे में पड़े होंगे तो उनको बाहर निकालिए। आप आज पहनोगे, आज आपने एक्सरसाइज करी आपको नहीं आया, कल पहने कोशिश करोगे टाइट कपड़ों को फिर भी नहीं आए, तीसरे दिन कोशिश करोगे। ऐसे अगर आपको मैं शर्त देती हूँ, शर्त लगाती हूँ आपसे कि अगर 10वें दिन अगर आप कोशिश करोगे तो 10th डे आपको वो कपड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने एक हफ्ता वर्कआउट करा। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि मैंने एक्सरसाइज करी, मेरा वेट लॉस तो हो नहीं रहा, इंचेस तो लूज हो नहीं रहे, आप क्या करते हो हिम्मत हार जाते हो, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में 1 या 2 किलो वजन कम हो रहा है तो आपको फील नहीं होता, और आपके पास वेटिंग मशीन तो है नहीं कि आप रोज वेट करने बैठोगे। तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने टाइट कपड़े निकालो, जिससे आपको पता रहे कि हाँ आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी मेंटालिटी है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। और या आप क्या कर सकते हो, जो इंची टेप होता है, जो टेलर यूज करते हैं इंची टेप, वो मार्केट से खरीद के लाओ, अपने सारी जगह का, बाजू का, अपनी ब्रेस्ट का, अपने पेट का, अपनी थाइस का इंची टेप से नाप लेके डायरी में लिखो, और एक हफ्ते बाद देखो कि क्या आपको फर्क आया या नहीं आया। और मैं सच कह रही हूँ, 3 से 4 दिन में अगर आपके 1/2 इंच भी लूज हो गया ना, तो ये आपको खुद ब खुद मोटिवेट कर देगा अगले 15 दिन के लिए, अगले 1 महीने के लिए, कि हाँ मेरे को एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब 3 से 4 दिन में मेरा 1/2 इंच लूज हो सकता है या 1 किलो वजन कम हो सकता है, तो पूरे महीने में तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो इन सब चीजों को यूटिलाइज करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी टिप्स है मेरी, जरूर फॉलो करना, खुश रहना, स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बला है जो आपको समय से पहले ऊपर पहुंचा देती है और आपके वजन को बढ़ा देती है। तो अपना ख्याल रखें, प्यार देते रहें और दूसरों को प्यार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।